राजू राजू अजी सुनती हो? राजू कहाँ है? अभी यही तो था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो फ्रिज से आ रही है। पापा बार बार दरवाजा मत खोला करो ना, सारी ठंडक बाहर निकल जाएगी। अबे रजुआ, तू फ्रिज में घुस के क्या कर रहा है बे? बाहर बहुत गर्मी हो रही है पापा। गर्मी हो रही है? गर्मी हो रही है तो तू फ्रिज में घुस जाएगा क्या? यहाँ ठंडे में बहुत मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? ठंडा ठंडा कूल कूल। निकल बाहर, निकल बाहर जल्दी से, वरना मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा तेरा। निकल बाहर। सुनो जी, घर में राशन का सारा सामान खत्म हो गया है। लाला की दुकान पर जाकर राशन का सामान ले आना। ठीक है, मैं जाता हूँ। पापा, सामान मैं लेके आऊंगा। नहीं नहीं, मैं लेके आऊंगा, तो बैठ कर अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई कर अपनी। हट जाओ पापा, मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। लाला जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब सामान दे दो हंसते हंसते। क्या चाहिए? आपकी बेटी पिंकी। क्या? अब मेरा मतलब है कि आपकी बेटी पिंकी कहाँ है आजकल? दिखती ही नहीं। तुझे पिंकी से क्या लेना देना है बे? बस लेना और देना ही तो है। क्या बोला बे? अब मेरा मतलब है कि आपसे सामान लेना है और उसे अपना दिल देना है। क्या? अब मेरा मतलब है कि आपसे सामान लेने के बाद उसका बिल लेना है। ठीक है, जल्दी बोल, क्या लेना है? आटा है? है। मैदा है? है। सूजी है? हाँ सूजी है। तब तो बहुत दर्द होता होगा। क्या? अरे जब सूजी हुई है तो दर्द तो होता ही होगा ना। कहाँ सूजी हुई है? पिछवाड़े में। किसने मारा था? पुलिस ने, डंडे से। अबे क्या बकैती कर रहा है बे? तुझे चाहिए क्या ये बोल। पापा। अरे पिंकी, तू तू यहाँ क्या कर रही है? पापा, मम्मी बुला रही है कपड़े धोने के लिए। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तू जा। अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ राशन का सामान लेने आया हूँ। और बता, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। पिंकी, तू घर जा, ऐसे आवारा लड़कों से बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा, जाती हूँ। और तू यहाँ पे खड़े खड़े क्या टाइम पास कर रहा है? सामान लेना है तो ले, वरना निकल यहाँ से। क्या लाला, यहाँ तो बड़े शेर बनते हो और घर में ललायन तुमसे कपड़े धुलवाती है। ऐसी बात नहीं है, आज पिंकी की मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए शायद। रहने दो लाला, मुझे तो लगता है ये तुम्हारा रोज का काम है। क्या रोज का काम है? यही घर में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। अरे ऐसी बात नहीं है, अब मैंने कहा ना, आज पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जिन मर्दों को घर का काम करना आता है ना, उनकी बीवियों की तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। तुझे बड़ा मालूम है इन सब बातों का।
मेरे घर में मेरे पिताजी की भी यही हालत है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मतलब वो भी तुम्हारी तरह जोरू के गुलाम हैं। मेरी मम्मी उनसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करवाती हैं। कुत्ते जैसी हालत है उनकी। लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारी हालत गधे के जैसी है। क्या? और नहीं तो क्या, सुबह से लेकर रात तक तुम यहाँ दुकान में अपना पिछवाड़ा लाल करते हो, और जब थके हारे घर पहुँचते होगे तो तुम्हारी बीवी तुमसे काम करवाती होगी। तुझे कैसे मालूम? तुम्हारी शक्ल पे ही लिखा हुआ है कि तुम एक नंबर के जोरू के गुलाम हो। फालतू तो बातें मत कर। मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मेरी बीवी मेरी गुलाम है। अच्छा, वो कैसे? जब मैं रात को थका हारा घर पहुँचता हूँ तो मेरी बीवी मेरे जूते खोलती है। अच्छा, फिर वो मेरे पाँव दबाती है। फिर वो मेरे लिए खाना परोसती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सभी औरतें अपने पतियों के लिए खाना परोसती हैं। लेकिन अगर खाने में नमक थोड़ा कम ज्यादा हो तो मैं एक रख के देता हूँ उसको। क्या रख के देते हो? एक झापड़ कान के नीचे रख कर देता हूँ। अच्छा जी, और नहीं तो क्या। बकरी की तरह मिमी आने लगती है मेरी बीवी। कहती है, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मेरे स्वामी। ऐसी धाक है मेरी। अरे ललायन, तुम क्यों आ गई? तुम्हें पिंकी ने आधे घंटे पहले आकर कहा था ना कि मम्मी बुला रही है, और तुम यहाँ इस लौंडे के साथ बकथूतन कर रहे हो। मैं आ ही रहा था। अरे लाला जी, आप तो शेर हुआ करते थे, लेकिन अभी बकरी की तरह मिमिया क्यों रहे हो? कौन शेर और कौन बकरी? लाला जी तो कहते थे कि ये शेर है और आप बकरी। इनके डर से थर थर कांपती हो आप। अच्छा, मैं बकरी हूँ और इनके वजह से मैं थर थर कांपती हूँ। अभी बताती हूँ कि कौन बकरी है और कौन शेर। अरे छोड़ दो, कभी नहीं बोलूंगा, छोड़ दो। लाला का काम तो तमाम हो गया, अब मुझे राशन कौन देगा? अबे कोई मुझे 1 किलो सूजी तो दे दो।